क्या आपने कभी देखा है 9 करोड़ का भैंसा जिसके फैन हैं पीएम मोदी? दुनिया का सबसे तगड़ा भैंसा। भैंसे तो आपने आज तक हजारों देखे होंगे, लेकिन आज एनएमएफ न्यूज आपको दिखा रहा है एक ऐसा भैंसा जो भैंसों की दुनिया का हल्क है। जी हाँ, ये है वो भैंसा जिसका नाम है युवराज, और पीएम मोदी भी सिर्फ इस भैंसे को देखने के लिए वक्त निकाल चुके हैं। दरअसल जयपुर में होने वाले ग्लोबल एग्रीटेक मीट में इस बार मुर्रा नस्ल के भैंसे युवराज पर सबकी नजरें हैं। इससे पहले भी युवराज ने उत्तर भारत में कई कैटल्स एग्जीबिशन की शान बढ़ाई है। आपको बता दें कि युवराज के मालिक ने उसे 9 करोड़ रुपए में भी बेचने से इनकार कर दिया था। मुर्रा नस्ल दुनिया भर में भैंस की सबसे बढ़िया नस्ल मानी जाती है, और ये आमतौर पर हरियाणा और पंजाब में पाई जाती है। हालांकि इस नस्ल की कुछ भैंसे वेस्टर्न यूपी में भी मिलती हैं। युवराज तब खबरों में आया जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रहने वाले उसके मालिक करमवीर ने उसे 9 करोड़ रुपए में बेचने का ऑफर ठुकरा दिया था। इसके पीछे वजह ये थी कि युवराज के स्पर्म बेचकर और मवेशी शो में हिस्सा लेकर करमवीर हर साल 50 लाख रुपए की कमाई करते हैं। मुर्रा नस्ल के सबसे बेहतरीन भैंसों में से एक युवराज ने अब तक 17 नेशनल अवार्ड जीते हैं। इतना ही नहीं, युवराज के स्पर्म से अब तक 1.5 लाख बछड़े पैदा हो चुके हैं। खबरों की माने तो युवराज की माँ भी एक दिन में 25 लीटर दूध दिया करती थी। युवराज के मालिक करमवीर के मुताबिक युवराज एक दिन में 3.5 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर तक हाई क्वालिटी स्पर्म जनरेट करता है। इसमें 0.25 मिलीलीटर स्पर्म की कीमत तकरीबन 1500 रुपए होती है। युवराज 14 फुट लंबा और 6 फुट ऊंचा है। एक दिन में 20 लीटर दूध पीता है, 5 किलो फल खाता है और 15 किलो पशु आहार खाता है। इतना ही नहीं, हर दिन युवराज 5 किलोमीटर घूमता भी है। आपको बता दें कि इस भैंसे को खरीदने के लिए एक किसान ने 7 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के एक दूध व्यापारी ने भी 9 करोड़ रुपए में इस भैंसे को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन युवराज के मालिक करमवीर ने ये सभी ऑफर ठुकरा दिए। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।